मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद भी मांडीखेड़ा गांव के बीपीएल परिवारों को नहीं मिला कब्जा, गरीब परेशान, डीसी से की मुलाकात। बता दें कि नुहू जिले के मांडीखेड़ा गांव में तकरीबन 143 बीपीएल परिवारों के प्लाटों पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों ने नुहू उपायुक्त के दरबार पहुंचकर प्लाटों का कब्जा दिलाने की मांग की है। नुहू उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए जोधपुर जिले का एसडीएम को आदेश दे दिए हैं। फिलहाल बीपीएल गरीब परिवार उपायुक्त के आश्वासन से संतुष्ट दिखाई दिए। बता दें कि बीपीएल गरीब परिवार के सदस्य उमर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मांडीखेड़ा गांव के बीपीएल परिवारों को गत 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा 100-100 गज के प्लाट दिए थे। कुछ लोगों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर 2019 में फर्जी तरीके से उनकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और अवैध कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम मिंडो, जिला उपायुक्त तथा नगीना थाने में दी। इतने नहीं, नुहू दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल को भी बीपीएल परिवारों ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक प्लाटों के मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर बीपीएल गरीब परिवारों ने आज नुहू उपायुक्त से मुलाकात की है। बीपीएल गरीब परिवारों ने कहा है कि गरीब परिवारों का बीपीएल प्लाटों पर कब्जा नहीं होने की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन से गुहार लगाई है, जल्द से जल्द बीपीएल परिवारों को उनका कब्जा दिलाया जाए ताकि गरीब परिवार अपना आसियाना बनाकर गुजर बसर कर सकें। आज नुहू उपायुक्त से मिलकर गरीब परिवारों को अब कुछ उम्मीद दिखाई दी है। उन्हें उपायुक्त पर पूरा भरोसा है कि उनके प्लाट जल्द गरीबों को दिलाए जाएंगे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम उमर मोहम्मद है जी, गांव मांडीखेड़ा है मेरा। आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या मामला है? डीसी साहब से मिले हैं जी, हमको 2011 में बीपीएल प्लाट मिली थी जी। उस जमीन की तस्लीम सनो बहादुर और वसीम सनो बहादुर ने 3333 गज की रजिस्ट्री करा ली जी, और लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम से मिले जी, हम तहसीलदार से मिले, वीडियो से मिले, और हमको उस बीपीएल प्लाटों पर कब्जा नहीं मिल रहा जी आज तक। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है जी, कंप्लेंट को मार्क कर दिया है जी एसडीएम साहब के लिए, और कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है जी। उम्मीद है, भरोसा? भरोसा है जी प्रशासन का हमको बहुत बहुत। कुमार है जी, महेंद्र कुमार। कहाँ से? गांव मांडीखेड़ा से। किस लिए आए आज? हम जी प्लाटों को चक्कर में आए जी। क्या आश्वासन मिला है? क्या प्लाट का मामला है? प्लाट का मामला है जी, हमारी 2011 में जो है प्लाटें कटी हुई थी, उनकी हमारे पास रजिस्ट्री भी हैं, और वो कुछ लोगों ने दबा रखी हैं, इसलिए हम यहाँ डीसी साहब के यहाँ आए हैं, एसडीएम साहब। किस प्लाट ना मिलने से किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है जी, रहने के लिए जगह नहीं है। रोशन, क्या मामला है आपका? प्लाट का मामला है जी, और क्या मामला है? प्लाट कम मिली थी, किस तरह से परेशानी हो रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या वजह है? 2004 से 2011 में ना मिली जी प्लाट। अब अभी तक हमारा कब्जा ही ना मिला। क्यों नहीं मिला? कहाँ पता जी, अब डोलते रहा, परेशान होता रहा, यही मारा हो रहा, जो मिलते तो हम आता ही कहीं को यहाँ। कितनी बार किस किस से मिले? सबन से मिल लिया जी, जाके डीसी से मिल लिया, सबसे कर लिया, अभी बात करके आए हैं सबसे, कैरो मिल लिया जी। कितनी प्लाट है, कहाँ प्लाट है आपकी? 143 प्लाट है जी। कहाँ पे? ये खेड़ा है जी हमारा, हंडौली नाइनगढ़ रोड पे, मांडीखेड़ा गाँव का। क्या चाहते हैं डी साहब ने, क्या भरोसा दिया है? यही दिया जी, हाँ दिवांगे आंगे हम।